नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 29 में, हूँ आपके साथ पवन बिश्नोई। बीसीसीआई ने श्रीलंका बोर्ड को अंतिम चेतावनी दे दी है और कहा है जल्द से जल्द अपनी टीम का अनाउंसमेंट करें। श्रीलंका जो है टीम इंग्लैंड दौरे पर गई थी, वहां से आने के बाद टीम में कोरोना के मामले देखे गए। ऐसे में टीम को बैकअप प्लान तैयार करने को कहा गया है। 18 तारीख से मुकाबला शुरू होना है और अभी तक श्रीलंका की टीम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और लेकिन फिर भी श्रीलंका की टीम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इस पर बीसीसीआई ने कड़ा रुख अपनाते हुए श्रीलंका बोर्ड को चेतावनी दी है। अब सीरीज की शुरुआत 13 की बजाय 18 जुलाई से होगी, लेकिन इस सीरीज में श्रीलंका की ओर से कौन से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बीसीसीआई ने श्रीलंका क्रिकेट से कहा है कि वह जल्द से जल्द अपनी टीम को अनाउंस करे। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने शनिवार को भारत और श्रीलंका के बीच शेड्यूल में बदलाव की जानकारी दी। बीसीसीआई जहां कोरोना के बीच सीरीज खेलने को तैयार हो गया है, लेकिन उसे श्रीलंका बोर्ड को बैकअप टीम तैयार करने को कहा है। दौरे पर 3 वनडे और 3 T20 मुकाबले होने हैं। भारत और श्रीलंका सीरीज का नया शेड्यूल घोषित कर दिया गया है, जिसमें पहला मैच 18 जुलाई से होगा, दूसरा मुकाबला 20 को और तीसरा मुकाबला 23 जुलाई को खेला जाएगा। इसके बाद T20 सीरीज का पहला मैच 25 तारीख से खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 27 और सीरीज का आखिरी मुकाबला 29 जुलाई को खेला जाएगा। सभी मैच पहले की तरह कोलंबो में ही खेले जाएंगे।